बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, चाइना पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाने में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती दिन ब दिन मिसाली होती जा रही है। चाइना ने पाकिस्तान को 3 खतरनाक हथियार फराहम करके भारत पर बिजली गिरा दी। चाइना पाकिस्तान को कौन कौन से हथियार दे रहा है और यह हथियार भारत के लिए किस कदर खतरनाक हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, चाइना पाकिस्तान को 8 जदीद सबमरीन देगा। इन सबमरीन की बदौलत पाकिस्तान भारत की समुद्री हदूद में बिना किसी रुकावट के कार्रवाई कर सकेगा। यह सबमरीन चाइना काफ़ी ममालक को फरोख्त भी कर रहा है और अब इसी को पाकिस्तान नेवी भी चाइना से हासिल करने जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान इस सबमरीन से अमरीकी और भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर को बआसानी तबाह कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चाइना पाकिस्तान को CM-400 AKG मिसाइल देगा। इस मिसाइल की सबसे बड़ी हैसियत यह है कि इसे मौजूदा दौर के तमाम जंगी तैयारों से फायर किया जा सकता है। CM-400 एक एंटीशिप मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर और यह Mach 4 की स्पीड से प्रवास कर सकता है। तीसरी बड़ी खबर JS-17 Thunder Block 3 के हवाले से है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि भारतीय राफेल तैयारों को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने J-20 फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले रडार को JS-17 Block 3 में नस्ब करने का फैसला कर लिया है। ये रडार ऐसे मटीरियल से तैयार किया गया है जो दूसरे रडारों पर दबा नहीं छोड़ता। इस रडार की बदौलत JS-17 Block 3 भारतीय राफेल तैयारों को बआसानी ट्रेस कर पाएगा और ट्रेस करने के बाद बआसानी तबाह कर देगा। दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।